राहुल उसको सजा होनी चाहिए। राहुल कौन इसका जड़? राहुल है, राहुल है इसका जड़। राहुल राहुल सही बात है। कौशल भैया, कौशल भैया थोड़ा सामने आकर बोलिए। कौशल भैया थोड़ा सामने होइए। आइए क्या बात है, जो जो भी दोषी है आना चाहेंगे कौशल। रुकिए यार, कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, एक अगर थू ऐसे पति पे और ऐसे ससुराल वालों पे जिनको इतना मालती कमा के दी, उनको फूकने के लिए उसका चंदा जुगाया जा रहा है, इतना कमा के दी है वो। बिल्कुल सही है, बहुत बड़ी बात है। 50% की हकदार है वो, 50% की हकदार है। बहुत बड़ी बात है, जो करोड़ों बड़ी बात कर रहे हैं। एक सुहागिन मरी है ना जी, लेकिन उसको नसीब नहीं होगा तो उसका सिंगोरा कोई ला के दे दे। कोई नहीं है, कोई नहीं ला के देगा उसका सिंगोरा, कोई नहीं देगा। शासन प्रशासन के लोगों से गोरखपुरिया भाई, शासन प्रशासन के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जो कि इसका कमाई कमाई का जो जरिया था ये मालती थी, उससे जो पैसा कमाया गया क्या उसका हिस्सा बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल मालती के पिता को मिलना चाहिए, मालती के पिता को दिया जाएगा उसका आधा हिस्सा, जितना भी उसका प्रॉपर्टी है। युवराज को संभालेगा तब। भाभी मालती वीडियो बनाती है, भाभी मालती वीडियो बनाती है जिसमें साफ साफ बोल रही है कि रधिकवा के रखे चाहत बाटे, यही नाते हमें आज हमारी जान मार दी है साफ साफ। तो राधिका को क्यों अभी तक नहीं विष्णु आया किसी के सामने? अब बताइए आप, कोई नहीं बोला। पहले सवाल किया है सही है कि भाई, अगर राधिका के चलते अगर विष्णु की मालती जी की मौत हुई तो राधिका को लेके आइए सामने। बिल्कुल एक बात बताइए, छोटी छोटी बात पढ़िए, राधिका बताइए, राधिका अभी पुलिस के पकड़ से बाहर है, बिल्कुल बाहर है, उसको पकड़ा जाए। अभी तक कितने लोगों को मुंजी मनाया गया, कितने लोगों को मुंजी मनाया गया? राहुल का नाम आया है भैया, और थोड़ा इधर होइए, थोड़ा पीछे होंगे तभी तो पीछे हो जाइए। कितने लोगों का नाम दिया गया? पांच लोगों का, पांच लोगों का, पांच लोगों का। उनके पिताजी ने दबाया है, मैं बता दे रहा हूँ। अर्जुन का नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड नाम है विष्णु राज का है, और तीसरा नाम है क्या बोलते हैं ये अमरनाथ, और राहुल चौरसिया, और एक सबसे अहम बता दे रहा हूँ महादेव, यानी विष्णु के भाई। वो तक नहीं आए बताइए, बताइए आना चाहिए अमरनाथ, जो कि हमेशा स्टपनी बन के घूमते थे विष्णु राज के, आज कहाँ नजर आए। सुबह सुबह मुझे इतना गुस्सा लगा, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे परिवार के लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। सुनिए भैया, सुनिए मेरी बात, एक छोटा महादेव का नाम बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। ममता का बात था, ममता का भी तो हत्या हुआ ना, क्या हुआ? अरे भैया बोलने ही नहीं दिए लोग, पहली बात कोई खुलकर सामने आया, विरोध की थी, ठीक है। महादेव मालती, मालती ममता, ममता का जैसे मौत हुआ था ऐसे ही मालती का भी मौत हुआ है। मालती के साथ अच्छा डूबे वाली कहानी हुई है। पूर्वांचल में तमाम जो यूट्यूबर है, तमाम जो इस तरह के सोशल वर्कर, उन पे लगातार हत्याएं होती जा रही, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर खुद से, देखिए मैं उनके माता पिता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि खुद की सेफ्टी के लिए अपने बच्चों के साथ जरूर रहें, नहीं तो ऐसे लोग बहला फुसलाकर आपका गला भी कटवा सकते हैं। और यूट्यूबर से भी मिल नहीं रहा है, चाहे जो औरत हो अपने आप पर काबू रहे, यूट्यूब पर काम। बिल्कुल एक और काम भैया, एक और बात भाभी जी सुनिएगा ध्यान से, जब मैं सुबह देखता हूँ अमरनाथ उनके साथ हमेशा स्टेपनी बनकर घूमते हैं, भैया भैया करते हैं, आज सुबह उनका वीडियो मैं देख रहा हूँ, अर्जुन का फोटो, मालती का फोटो लगाना जरूरी था क्या? क्या जरूरी था ये बताइए? विष्णु के साथ भी फोटो लग सकता था कि भाभी हमार मर गई, लेकिन नहीं, मालती चौहान चली गई। सुनिए मालती चौहान चली गई और युवराज का क्या हो गया? शर्म आनी चाहिए लोगों पर कि अब भी ये चीज खेल रहे हैं। प्लीज आप चलिए, ठीक है, धन्यवाद, चलिए धन्यवाद।